बैक टू द चैनल एवरीवन। जीशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ऐसे सैर सपाटा। सैर सपाटा माशाल्लाह। जीशान भाई का कलेक्शन देख रहे हैं, सबसे पहला वीडियो। जीशान भाई काफ़ी टाइम बाद बना रहे हम लोग आपकी वीडियो, थे नहीं आप पुणे में थे है ना, और अभी वापस बॉम्बे में आ गए। ऐसा कलेक्शन ईद टाइम पे रहता है ना? हाँ बिल्कुल, ईद के टाइम रहता है, बाकी साल भर छोटे मोटे रहते हैं लेकिन ईद के टाइम ऐसे ईद के टाइम पे रहता है। माशाल्लाह ये देखो बहुत बड़ा साने ने जीशान भाई ने परचेज किया कुर्बानी के लिए। जीशान भाई आप भी बताइए हिस्ट्री बकरे की, कहाँ से आया बकरा, कितने टाइम से? एक भाई है इरफान भाई, उनके पास से लिए। कौन? इरफान भाई। इरफान भाई कुरला में रहते हैं। अच्छा उनके पास से लिए। अच्छा कब से है वैसे अपने इसमें कलेक्शन में? कब से है कलेक्शन में अपने इसको कंप्लीट करके? ऑलमोस्ट अपने को एक दो महीना हो गया। दो महीने से है? ठीक है, तो दो महीने से बकरा आपके पास है। तो ये कहाँ पे था पलाई पे? ये चौधरी रोड का है ना, इरफान भाई उनका ही है। चौधरी लाइफ स्टॉक। चौधरी लाइफ स्टॉक पे था। और ये कहाँ पे आया चौधरी लाइफ स्टॉक? ये वसई में उनका फार्म। वसई में? अरे बाप रे, जीशान भाई को बकरा खींच के लेके चले गया। बकरे की जान देखो माशाल्लाह, बकरा बहुत हैरान कर रहा है। तो जीशान भाई दो महीने से है, क्या चेंजेस देखने मिला बकरे में? इतने बड़े हथियार थे? हथियार इतने बड़े तो माशाल्लाह बहुत बड़े, सामने देखो ना। हाँ हथियार माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं बकरे के, साइड में ले लो थोड़ा। तो दो महीने में क्या चेंजेस देखने मिला भाई? अपने ने जो डिटेल्स पे परचेस किए थे ना भाई, उसके ऊपर ही बकरा अपने को मिला के पास। और दो महीने का रिजल्ट कैसा था इरफान भाई? वही बता रहा हूँ मैं, जो वेट पे अपन ने परचेस किया उसके ऊपर ही वेट में मिला बकरा माशाल्लाह दो महीने में। लेकिन बहुत ह्यूज फ्रेम है बकरे का, साइज नहीं है लेकिन फ्रेम बहुत बड़ी है माशाल्लाह। एक बार मैं फ्रेम दिखाता हूँ बकरे की, फ्रेम माशाल्लाह, फ्रेम का तो राजा है बकरा अगर देखेंगे तो माशाल्लाह। क्या नाम है वैसे ईशान भाई इसका? इसका नाम है भाई इरफान भाई ने रखे थे अपने, रोको रोको रोको। कोई फिल्म में है क्या नाम वैसे? आइडिया नहीं है लेकिन माशाल्लाह बहुत ह्यूज साने ने, बड़े हथियार, और मतलब अगर ये बड़े शानीन में से कंपेयर करेंगे तो उसमें भी शायद ये शामिल हो सकता है, 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 है ना। और जहाँ से हम लोग परचेस किए वो भाई के पास भी, क्या नाम है वो बकरे का, फैसल भाई के पास था, दानिश भाई के पास था, हैंडसम उनके पास, वो भी उनके पास ही है बकरा माशाल्लाह। तो जीशान भाई क्या वजन का होगा लगभग ये बकरा? पुन काटा के भाई एग्जैक्ट भाई 85 kg अप्रॉक्स। 85 kg अप्रॉक्स अप्रॉक्स बता रहा हूँ, लेकिन 85 इंशाल्लाह अबाव ये। हाइट के हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा गोल है पूरा माशाल्लाह। हाँ। पेट टोपी वगैरह उसके पैर वगैरह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत से लोगों ने पूछे भी भाई स्पोर्टिंग पर्पस के लिए मैं बोला नहीं, लेकिन कुर्बानी का बकरा है। तो सिंग का क्या करेंगे? सिंग रखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे अपने जैक डेनियल के रखे थे वो तो अपने रहीम भाई को दे दिए थे, तो जैक डेनियल जैसा बकरा नहीं मिला आपको? वैसे नहीं मिला, उसके बाद वैसा बकरा नहीं मिला, इसलिए आप लोग वही ढूंढ रहे थे वैसा कुछ, तो ये मिल गया। आपने शायद खोजे नहीं होंगे बराबर, लेकिन होगा देखिए पुण्य, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाई दूसरी बार वापस से माशाल्लाह। ये है रोको, सामने का सीना वगैरह देखो यार। जीशान भाई वैसे ब्लड लाइन के ब्रीड लाइन क्या है भाई, वो तो मुझे कंफ्यूजन है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि अपन ने डायरेक्टली परचेस किए भाई, अपन ने पलाई पे नहीं रखे थे तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है जीशान भाई की कुर्बानी के कलेक्शन में से है ये। सिंग कितनी बड़ी होगी? सिंग कुछ मेजर वगैरह की हुई है इसकी? इसकी अप्रॉक्स 1.5 फुट करीब सिंग है, 1.5 फुट से ऊपर। दोनों भी ठीक है माशाल्लाह। ये गैप जो है ना, ये गैप एक सेकंड ले लेते हैं साइड में। हाँ ये गैप, ये दोनों का जो गैप है, हाँ हाँ, ये 2.5 फुट, 2.5 फुट का गैप, 2.5 फुट का गैप। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 फुट की एक सिंग बोल रहे हैं, 1.5 फुट की एक सिंग अप्रोक्स माशाल्लाह। और जीशान भाई इस पकड़ा लेके भाग गए जीशान भाई को, ये अड़ियो पीछे अड़ियो। तो जीशान भाई माशाल्लाह बकरा, हाँ भगाया जा रहा है बकरा, रुक नहीं रहा है। और यहाँ पे बच्चे लोग भी पूरे जमा हो गए बिल्डिंग के बकरे को देखने के लिए। जीशान भाई और ये हमारे अकदस भाई है पीछे से, क्या बोलते अकदस भाई? सलाम वालेकुम। कैसा लगा भाई बकरा वैसे आपको? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा बकरा है, बहुत नायाब चीज़ है। सिंग सिंगार का तो एक नंबर है, सिंग सिंगार का एक नंबर है। वैसे ब्लैक वाले कोटे को खोलने से डरते नहीं आप जरा भी अकदस भाई हमारे? कोई भी बकरा पकड़ने बोलो, शेर दिल आदमी है बकरों के मामले में, कोई भी बकरा पकड़ने बोलो भाई एक सेकंड में पकड़ लेते हैं बकरा, डरते नहीं कोई भी बकरे से। वैसे ईशान भाई मैं सिंग की बात कर रहा था, तो सिंग वैसे 1.5 फुट है? हाँ एक 1.5 फुट की है भाई, 1.5 फुट की है। तो ये भी क्या, ये भी रहीम भाई को जाएगी सिंह?
ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपन ने रख लिए थे। हाँ। राजू भाई की टेरिस पे सुखाए थे उसको, नमक वमक डाल के। बारिश में रोड डेली जाके चेक करना पड़ता था, सिंह भाई खोला है नहीं खोला, अपनी अपनी रात रात में जाके चेक करना पड़ता था। लेकिन माशाल्लाह इसकी भी सिंग रखेंगे क्या राजू भाई? रखेंगे ना इंशाल्लाह, इसकी तो रखना है, इसकी तो रखना है। तैयारी चालू कर देंगे अभी से, लाके सब ट्रे व्रे लाके रख देते हैं, नमक डालने का और क्या रख देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बकरा कुर्बानी का। निशान भाई ऐसे कुछ बकरे जो है सेलिंग के लाएंगे क्या अपने पास? अपने पास बोल नहीं सकते भाई, अपन देखो इतने बड़े बकरों में नहीं काम करते, मतलब साइज में बड़े जो बकरे थे उसमें नहीं काम करते। आपको छोटा मेरे पास आने मिल जाएगा, खास करके जो आपके कस्टमर मेरे को लगता है सब किड्स हैं, सब हाँ, हाँ, सब पेरेंट्स को लेकर आते अपने। हाँ, ये भाई ये बकरा पसंद आया तो ये बकरा ले लो। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है, कुर्बानी के लिए जाने वाला है। जिशान भाई इतने लास्ट में शो करने का मकसद क्या था? असल में कैसा था भाई, तुम्हारी भी मसरूफियत थी मेरी भी थी, और अपने को सेल नहीं करना है कुर्बानी पर्पस से, और लोगों का शौक बढ़े देख के ऐसे बकरे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई किसी के बकरों का कोई नाम रख रहे, बट एक शौक होता है लोगों का। हाँ लास्ट में दिखा रहे क्योंकि बकरे सब अभी आ रहे हुए हैं। हाँ ऑलमोस्ट 15 दिन हुआ है तो थोड़े खा भी नहीं थे बकरे, इतने गर्म हो गए, बहुत था बकरे कुछ खा भी नहीं, साइज में भी थोड़ा सब वजन तोड़ दिए बकरे लोगों ने। जैसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दो बकरे हैं, ब्लैक वाला और एक तोतापुरी है, तो वो दोनों को भी थोड़े उतर गए बकरे। जब हम लोग ने देवनार से लेकर आए थे तब कुछ और बकरा था, और हफ्ते भर में उसने अपना वजन भी तोड़ दिया है, कुछ खा ही नहीं रहा, उसके बाद से किसी ने भी कुछ नहीं। एक्चुअली खस्सी बकरे भी ज्यादा हो गए, तो वो देख के अंडू बकरे थोड़े गर्म हो गए। पूरे बाड़े में 4 ही अंडू है ना कुछ मेरे ख्याल से, बाकी सब खस्सी बकरे। वैसे माशाल्लाह ये है रोको। इंशान भाई वीडियो को यहीं तक रखते हैं हम लोग, इंशाल्लाह दूसरा वीडियो देख के और इंशाल्लाह फ्यूचर पर्पस के लिए जो भी आएंगे अपनी चीज़ें वो भी बताएंगे दूसरे वीडियो में, है ना? ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम।